वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ हिंदुस्तान की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन ऐसी बेबसी में गुजरा था कि एक अदद नौकरी भी घर वालों को बड़ी कामयाबी दिखती। कभी ऐसा विचार नहीं आया। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बस स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती। बचपन की पीड़ा का असर ये रहा कि पीएम मोदी पहले सैनिक बनना चाहते थे, फिर सन्यासी, लेकिन आखिरकार में आ गए सियासत। आरएसएस के रास्ते बीजेपी में आए और पार्टी का महासचिव रहने तक बीजेपी दफ्तर में कमरे में रहते थे। थोड़े में गुजारा करने की सोच ऐसी मजबूत हुई कि वो अक्सर अपनी कमाई का हिस्सा दान दे देते हैं। इसी साल मार्च में अपनी निजी बचत से 21 लाख रुपए कुंभ मेले से जुड़े सफाई कर्मियों के लिए दान में दिया। फरवरी में दक्षिण कोरिया में सियोल शांति सम्मान में मिली 1,30,00,000 रुपए की राशि नमामि गंगे मद में देने की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री के रूप में पिछले कार्यकाल के दौरान प्राप्त उपहारों की नीलामी से हासिल 3,40,00,000 रुपए भी नमामि गंगे योजना में दान दे दिए। इससे पहले साल 2015 तक मिले तोहफों की नीलामी से प्राप्त 8,33,00,000 रुपए भी नमामि गंगे मिशन को दान में दिए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा करने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी निजी बचत से 21,00,000 रुपए गुजरात सरकार के कर्मचारियों की बेटियों के लिए दे दिए थे। जब मैं सीएम बना, एमएलए बना, तो फिर जो वेतन मिलता है वो आना शुरू हो गया। तब बैंक अकाउंट खुल गया, मैंने तो कभी वो देखा नहीं है। जब मैं निकला वहाँ से तो मैंने हमारे अफसरों को बुलाया, मैंने कहा भाई ये मेरा तो है नहीं, मैं ले जाके क्या करूँगा। तो मैंने कहा क्या करूँ, बोले ठीक है आपकी इच्छा है तो कुछ हिस्सा दीजिए। तो उसमें से मैंने फिर 21,00,000 रुपया दिया। अच्छा, उसमें से? हाँ, मेरे अपने जेब से दे दिया। और मैंने कहा कि ये जो हमारा सेक्रेटरीट है उसमें जो ड्राइवर है, हाँ, प्यून है, उनकी खास करके बच्चियाँ, उनको ये शिक्षा दीक्षा के लिए खर्च करना। गरीबी का दर्द वही समझता है जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। आज आपके सामने एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके पास बचपन में कपड़ा आयरन करने के लिए प्रेस तक नहीं होती थी। हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए तो कुछ था नहीं। तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था। लेकिन जूते नहीं थे, तो मेरे एक मामा एक दिन आए घर पे, तो पता नहीं उनका मन कर गया तो उन्होंने मेरे लिए जूते ला दिए। और टीचर जो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है ना, तो बाद में जो छोटा चॉकस्टिक का टुकड़ा रह जाता है वो ऐसे ही फेंक देता है। हाँ। तो मैं उसको इकट्ठा करता था, वो चॉकस्टिक के टुकड़े वो ले आता था और हर दिन सुबह चॉकस्टिक जूतों पे लगा देता था। जेब में पैसा भले न रहा हो लेकिन इच्छा शक्ति का धन इतना बड़ा था कि चाय बेचने वाला हिंदुस्तान की किस्मत बनाने लगा।